ये थाना पिहानी में एक छेड़खानी की घटना हुई थी जिसमें पीड़िता ने आत्महत्या का प्रयास किया, जिसको जिला अस्पताल लाया गया था और यहाँ से इलाज के लिए उसको लखनऊ भेजा गया। लखनऊ में उसका इलाज हो रहा है। उस संबंध में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके हमारी टीम सक्रियता से और सतर्कतापूर्वक इसकी तलाश कर रही थी अभियुक्त की, और उसको अरेस्ट किया गया। गिरफ्तारी के बाद संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष आज शाम को पेशी करने के लिए हमारी पुलिस की सरकारी जीप में मैं फोर्स के लेकर जा रही थी, तो अमेठी घाट के पास कुछ पशुओं के झुंड के आ जाने के कारण गाड़ी कुछ देरी हुए, जिसके कारण से वो अभियुक्त मौका पाकर पुलिस फोर्स की रिवाल्वर छीनकर भागा। जब पुलिस ने उसका पीछा करना शुरू किया तो उसने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर करना शुरू किया, जिसके वजह में हमारी पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ उस पर अपनी गोली चलाई, जिसके कारण अभियुक्त घायल हुआ और घायल होने के बाद उसको पुलिस ने गिरफ्त में लिया और इलाज के लिए सादाबाद CHC ले जाया गया, जहां से रेफर कर दिया गया, जिला अस्पताल पर लाया गया है। यहां पर इसका इलाज हो रहा है। पुलिस कर्मियों का भी इलाज कराया जा रहा है जो गिरने पड़ने से चोटहिल हुए हैं, और इस संबंध में उचित धाराओं में थाना पिहानी पर अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई। क्या नाम है अभियुक्त का और कहाँ का रहने वाला? अभियुक्त का नाम अफजाल सन ऑफ माजिद, निवासी भाटन टोला, थाना पिहानी, जनपद हरदोई का निवासी है। उसकी उम्र लगभग 23 वर्ष है।